बॉलीवुड इंडस्ट्री में 70 के दशक में एक मशहूर एक्ट्रेस, जिस एक्ट्रेस का नाम था रीना रॉय, उसका फिल्मी सफर शुरू होता है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि रीना रॉय का सबसे ज्यादा लगाव सोनाक्षी सिन्हा के पापा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रहा है और कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर मीडिया के गलियारों में काफी ज्यादा है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि रीना रॉय के अफेयर के किस्से भी कभी बी टाउन की सुर्खियों में हुआ करते थे। उन्होंने लंबे समय तक शत्रुघ्न सिन्हा को डेट किया, हालांकि दोनों का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाए। रीना रॉय की बात करें तो उनके फिल्मी सफर की शुरुआत 1972 में आई फिल्म जरूरत से हुआ था। अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें सेमी न्यूड और इंटीमेट सीन देने पड़े थे। दरअसल रीना रॉय इंडस्ट्री में किसी को पहचानती नहीं थी और काम की तलाश में भटक रही थी। ऐसे में उन्हें बीआर इशारा की फिल्म जरूरत ऑफर हुई। रीना की मजबूरी का फायदा उठाकर डायरेक्टर ने उनसे कई सेमी न्यूड करवाए थे। बॉलीवुड में खुद को स्थापित करना रीना के लिए आसान नहीं था और यही वजह थी कि वह जरूरत फिल्म करने को फौरन तैयार हो गई। फिल्म में रीना रॉय ने डैनी डेंजोंगपा और स्टार्स के साथ भी काफी इंटीमेट सीन दिए। बीआर की फिल्म जरूरत तो कुछ खास सफल नहीं रही, लेकिन इस फिल्म में बोल्ड सीन देने की वजह से रीना जरूरत गर्ल के नाम से पॉपुलर हो गई। इस फिल्म की कहानी रीना की असल जिंदगी से काफी मिलती जुलती थी। जिस तरह फिल्म में गांव से शहर आई रीना के किरदार को नौकरी और दौलत की जरूरत थी, ठीक उसी तरह रियल लाइफ में भी उन्हें उस वक्त पैसे और काम की जरूरत थी। 1973 में रीना रॉय को जितेंद्र के साथ जैसे को तैसा फिल्म में काम करने का मौका मिला, जो उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1976 में रीना रॉय ने दो हिट फिल्में नागिन और काली चरण दी। राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी फिल्म नागिन में रीना ने इच्छाधारी नागिन की दमदार रोल निभाकर दर्शकों को खूब रोमांचित कर दिया। फिल्म काली चरण में रीना ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पहली बार काम किया और इसी फिल्म में दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के अफेयर के किस्से इंडस्ट्री में धीरे धीरे मशहूर होने लगे। दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शत्रुघ्न की एक और दोस्त पूनम तक ये बात पहुंची। ऐसे में सभी को यही लग रहा था कि शत्रुघ्न और रीना जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन 1980 में शत्रुघ्न ने पूनम से शादी करके सभी को चौंका दिया। पूनम सिन्हा से शादी करने के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को भूल नहीं पाए थे। वो अक्सर चोरी छिपे रीना से मिलने जाया करते थे। इसके बाद रीना को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने शत्रुघ्न की अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 8 दिन में शादी नहीं की तो वो किसी और से शादी कर लेंगी। रीना रॉय ने 1989 में क्रिकेटर से एक्टर बने मोहसिन खान से शादी कर ली। रीना रॉय ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें जख्मी विश्वनाथ, बदले रिश्ते जैसी हिट फिल्में दी हैं और इन्हीं फिल्मों को लेकर आज भी उन्हें याद किया जाता है। रीना रॉय की बात करें तो हमेशा से ही उनको लेकर चर्चाएं की जाती है। चर्चाएं इसलिए भी की जाती है क्योंकि उन्होंने पहली फिल्म जरूरत में कई सारे इंटीमेट व बोल्ड सीन दिए थे। इंडस्ट्री में एक नई एक्ट्रेस का आना और ऐसे सीन देना सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका था और धीरे धीरे उनका करियर उठ रहा था। बाद में उनका लगाव शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हो जाता है, जो उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक थे, लेकिन उन्हें भी प्यार में धोखा ही मिलता है। या हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि मोहसिन खान से शादी करने के बाद उनका डाइवोर्स हो चुका है और आज वो अपनी गुमनामी जिंदगी को लेकर इधर उधर भटक रही हैं। रीना रॉय को लेकर एक बात काफी ज्यादा मशहूर है। मीडिया के गलियारों में कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आई हैं जहां पर रीना रॉय की शक्ल और सोनाक्षी सिन्हा को मिलाकर कहा जाता था कि सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय की बेटी है। हालांकि इस पर सोनाक्षी सिन्हा भड़क गई थी और उन्होंने ट्रोलर्स को जमकर जवाब भी दिया था। खुद रीना रॉय ने भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको इस पूरी खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।